देखो, आज का वेदर देखो, आज धूप भी है, बादल भी है, सो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्सचर। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज है वेनसडे और आज भी हम ट्राई करने वाले हैं कुछ अमेजिंग स्ट्रीट फूड ऑफ कोलकाता, दिस वेस्ट बंगाल। वैसे है तो हम लोग विलेज में, वैसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख के अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग क्या क्या फूड खाने वाले हैं। वैसे फ्रेंकली बताओ तो मुझे भी नहीं पता कि हम लोग अब तक क्या खाने वाले हैं शाम को, तो मैंने तो जस्ट ऐसे ही रैंडमली कह दिया अगर आप डिस्क्रिप्शन देखते हो तो। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए यहाँ वेस्ट बंगाल में ना अच्छे से धूप नहीं निकला था, बट आज वेनसडे को ना अच्छे से थोड़ा धूप भी निकला है, थोड़ा बादल भी है, और थोड़ा धूप हो तो अच्छा है क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हुआ है ना यहाँ पे कि यहाँ पे जो रोड्स होते हैं ना कच्चे रोड होते हैं, मिट्टी के रास्ते होते हैं, और वो इतने ज़्यादा गीले हो गए ना, मतलब कीचड़ कीचड़ इतना ज़्यादा हो गया कि उन पे वॉक करना ही मतलब बहुत ज़्यादा वो स्लिपरी है, पैर भी कभी कभी अंदर धंस जाते हैं, तो इस लेवल के मतलब हो गए हैं चीज़ें। तो अगर थोड़ा सा धूप हो, वो मिट्टी सूखे, पानी वैपोरेट हो, तो थोड़ा सा ईजी रहेगा लाइफ। यहाँ पे ये एक जो टेबल है, इस टेबल को मैंने फ़िलहाल, इस टेबल के ऊपर मैंने लैपटॉप रखा हुआ है। पहले ये जो टेबल था ये यहाँ पे हुआ करता था और वहीं पे बैठ के मैं अपना वीडियो एडिटिंग का काम वगैरह किया करता था, बट क्योंकि ये जो मैट्रेस है ना इट्स जस्ट नॉट कम्फर्टेबल फॉर सिटिंग, बैठने के लिए ना ये बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो मैट्रेस है ना ये स्प्रिंग वाले होते हैं, तो सोने के हिसाब से तो अच्छा है, काफ़ी लंबा टाइम इसमें आप आराम से सो भी सकते हो, बट लंबा टाइम बैठने के लिए कुछ आपके पर्सनल वर्क्स हो गए, कुछ ऑफिशियल वर्क्स हो गए, वो सब काम करने के लिए इस पे जो बैठना पड़ेगा आपको लंबे लंबे टाइम तक, इट्स जस्ट नॉट कम्फर्टेबल। तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइफ हैक्स के थ्रू जुगाड़ किया है, इंडियन जुगाड़ के थ्रू एक टेबल बनाया। चलिए मैं आपको टेबल बताता हूँ किस तरीके से जुगाड़ लगाया है। तो सबसे पहले मैं इस चेयर को कर देता हूँ यहाँ पे साइड में, एंड यू कैन सी दिस इंडियन जुगाड़। इसका जो ये हाइट है ना ये एक्चुअली शॉर्ट है, क्योंकि उसको यहाँ पे मैंने बैठ करके काम करने के हिसाब से मैंने बनाया था, बट जैसे ही मुझे पता चला कि यार यहाँ पे लंबे लंबे टाइम तक बैठना इट्स जस्ट नॉट कम्फर्टेबल, मैं पहले तो 2 से 3 वीक तक यहाँ पे बैठ के मैंने काम किया, उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं यार इट्स जस्ट नॉट कम्फर्टेबल, तो मैंने फ़िलहाल के लिए इस तरह का कुछ अपना देसी जुगाड़ लगाया है जिसके थ्रू एक सिंपल सा टेबल तो बन गया है, बट ये जो स्टूल थे ये घरों में यूज़ होने वाले स्टूल है, तो ट्राई करूँगा आज एक कंप्यूटर टेबल भी देख लूँ अगर चीपेस्ट रेट में कहीं अच्छा मिल जाए तो। ओ ओ ओ, और ये क्या यार, यहाँ का वेदर फिर से एक बार क्लाउडी हो गया है। अभी तो थोड़ा आधे एक घंटे पहले तक काफ़ी अच्छा सनी डे था, बट अभी फिर से ना आसमान पूरा क्लाउडी हो गया है। लगता है एज़ यूजुअली एवरी इवनिंग यहाँ पे बारिश होता है, तो एज़ यूजुअली आज भी इवनिंग को बारिश होगा। तो मैं तो निकला था अपने कुछ पर्सनल काम से, बट अभी वेदर इतना ज़्यादा क्लाउडी हो गया है कि फटाफट मुझे अपना वो काम कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना छाता भी नहीं है मेरे पास, भीग जाऊँगा। सो लेट्स सी। इवनिंग टाइम वॉकिंग करते करते स्टेशन पहुँच गया है, और आप मेरे पीछे का क्लाइमेट देख सकते हो, पूरा बादली बादल छाया हुआ है। बारिश तो होगा, डेफिनेटली आज भी बारिश होगा, बट इसी बारिश में घूमेंगे और टेबल के लिए देखेंगे अगर टेबल मिलता है तो, और साथ में आउटसाइड के स्ट्रीट फूड्स को भी इंजॉय करना है। बट आई एम एक्चुअली इंजॉइंग दिस वेदर, लविंग दिस वेदर, इट्स लवली वेदर, मतलब देख लो इट्स एन एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल वेदर। बारिश अभी चालू हो गया है, कुछ भी हो जाए आज हमें घूम करके थोड़ा सा खाना है और इन्जॉय करना ही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कल 27th को फिर से लॉकडाउन है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कल का दिन लॉकडाउन रहेगा, फिर गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा कि कब लॉकडाउन हो ना हो। सो मी एंड माई ब्रदर इज गोइंग टू हिज लिटिल श्राय, ओके, सो मी एंड माई ब्रदर इज गोइंग टू इन्जॉय अ लिटिल आउटसाइड स्ट्रीट फूड्स, देखते हैं हाउ इट्स गोना बी। करते करते इवनिंग हो गया है, घर जाने का टाइम है, बट इतना ज़्यादा हैवी बारिश चालू हो गया ना यहाँ पे कि थोड़ा सा यहीं पे अभी हॉल्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे हॉल्ट लेते देखते बारिश जैसे ही कम होता है घर की तरफ जाते हैं, एंड अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो आई थिंक हम लोग को प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा आउटसाइड स्ट्रीट फूड खाने का, बट देखते हैं भीग के ही जाएंगे नहीं तो। गाइस बारिश कम बिल्कुल भी नहीं हुआ है और हम लोगों को भीग भीग कर ही निकलना पड़ेगा, सो पटरी में इस तरह से पटरी में वॉक कर रहे हैं, भीगते भीगते नज़दीक में ही घर पहुंच जाएंगे, बट थोड़ा सा भीग लेते हैं एंड एंजॉयिंग द वेदर। सो गाइज यही है वो चीज़ जो मैं आपको लास्ट ब्लॉग में बताने वाला था, सुपरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल और आने वाले 2030 का भी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट ट्रैवल करने के लिए, टडो। वैसे इसको ना वेस्ट बंगाल में टोटो बोलते हैं। इसका पावर भाई, पावर तो पूछो ही मत, बहुत भयंकर पावर है, बहुत ही ईजी इस तरह से बैठ करके ईजिली इसको राइड कर सकते हैं, और इसके अंदर वैसे बैठने की कैपेसिटी 4 लोगों की है, लेकिन इंडियन स्टाइल में इसके अंदर कम से कम 6 से 8 लोग हम ठूस सकते हैं
बहुत पावरफुल है, बैटरी ऑपरेटेड। तो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर ईटिंग स्ट्रीट फूड। ये बेसिकली चिकन पोटा फ्राई बोलते हैं इसको, आई गेस अदर लैंग्वेज में भी यही बोलते होंगे, बट सच अ प्लेजर ऑफ थॉट, सच अ प्लेजर टू ईट आउटसाइड दिस पैंडेमिक। एंड देयर गोज अनदर बाइट। लोकल शॉप ने बनाया लेकिन इट्स क्रिस्पी एंड इट्स फैंटास्टिक। हाँ, लंबे टाइम बाद खा के ना मन धन्य हो गया। पैंडमिक का वैसे भी एक लंबे टाइम से ना बाहर आया ही नहीं था। कोटा के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ये, यहाँ पे हम खाने वाले हैं बंगाली स्टाइल स्वीट दही। एंड देयर वी हैव मिस्टी दोई। कुछ बंगाली स्वीट्स भी देख लो लॉकडाउन में जितने भी है देखने लायक। दिस इज फाइनली मिस्टी दोई, यू कैन टेक अ लुक एट द थिकनेस। बहुत ज़्यादा थिक है ये, एंड इट्स रियली एक्चुअली अमेजिंग डिश। बहुत मज़ा आता है खाते इसको, यही फाइनली खाना था। एंड इट्स स्वीट एंड इट्स डिलीशियस। खाते खाते नोटिस किया कि अभी बारिश भी फिर से आ गया है। ये तो यू नो दो अभी भी पड़ा हुआ है एंड वी आर स्टिल एंजॉइंग दिस, बट बारिश भी अभी आ गया है सो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट इसको एंजॉय करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। एक्चुअली दिस मिल्क पेक्स प्रोडक्ट इज सो क्रीमी, सो थिक एंड सो यमी, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। फाइनली दैट वाज द ब्लॉग फॉर द डे। ब्लॉग को करना पड़ रहा है यहीं पे ख़त्म, और अभी बारिश बहुत ज़ोर से आ रहा है तो मैं अभी चले जाता हूँ घर पे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फोर्स में आ गया तो थोड़ा हॉट लेना पड़े यहाँ पे। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आगे और शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी बारिश हो रहा है, तो टेक केयर।